पति कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता। कई बार आपको ऐसा पति मिल जाता है जो सुंदर नहीं है, मां बाप ने जबरदस्ती शादी करा दी, पति लड़की गोरी है पति काला है, अब लड़की के अंदर अंदर चलता है लोग ऐसे पति से शादी कर दी। कई बार दिल स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, मन है पति पत्नी की तरह रहते हैं पर मन भागता है, नहीं ये काला है मेरे मन का नहीं है, ये पति भी कई बार मेरे मन की पत्नी नहीं है। होता है, बहुत सारे लोग परेशान हैं जो रिश्ते होने के 10 साल बाद भी ये सोच रहे हैं, बच्चा भी बड़ा हो गया फिर भी सोच रहे हैं कि पत्नी मन की नहीं, पति मन का नहीं। ये बात कोई किसी से कहता नहीं है पर कई बार मन में आती हैं ये बातें, लोग कहते हैं अपने आप से कि मन की नहीं है, मन की नहीं है, मन की नहीं, पति मन का नहीं। इससे भी अच्छा मिल जाता तो बढ़िया था, कैसा मिलता वैसा मिल जाता, एग्जाम्पल भी आप देते हैं वैसा मिलना था, उनके जैसी था, उनके जैसी वो। आदमी ऐसा सोचता है, ये बातें कहता किसी से नहीं पर दिमाग में चलता रहता। क्यों चलती हैं ये बातें? क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हैं। काश आप संतुष्ट होते अपने रिश्तों से तो आपके दिमाग में ये कचरा कभी ना प्रवेश करता। संतुष्टि नहीं है पत्नी को, संतुष्टि नहीं है पति को, इसलिए ये बातें उठती हैं। कई बार तो गुस्से गुस्से में लोग निकाल भी देते हैं, किसी को मोटा पति मिल गया तो पसंद नहीं है, किसी को मोटी पत्नी मिल गई तो पसंद नहीं, कोई ज्यादा पतला है तो पसंद नहीं, होती है बहुत सारी समस्याएं। पर शास्त्र कहते हैं कि पति कैसा भी हो, अंधा हो लंगड़ा हो, शादी के बाद कोई बीमारी आ जाए और पति अंधा हो जाए तो क्या पति को छोड़ दोगी? यदि पति को छोड़ दोगी तो दूसरा पति तो मिल जाएगा, दूसरा पुरुष तो मिल जाएगा, शादी भी कर लोगी, पर जब यहां से कार्यकाल पूरा करके जाओगी या जाओगे तो भगवान पूछेंगे क्यों, क्या तुमने अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन किया, अपने कर्मों का पालन किया, जो कर्म तुम्हें दिया था, जो कर्तव्य तुम्हें दिया था किया नहीं किया? और जब याद रखना, ईश्वर ने जो कर्तव्य हमें दिए हैं हमें उनका भली भांति पालन करना चाहिए। यदि हमने नहीं किया तो हमें पाप लगता है। जैसे पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना, यदि कोई पत्नी पति की सेवा ना करे तो उसे पाप लगेगा। उस पाप का फल उसे जरूरी नहीं है किसी जन्म में मिले, किसी और जन्म में मिलेगा। आप मत करो आपको नहीं करना तो, पर याद रखना कि वो जो आपने छोड़ दिया ना खालिस्तान, वो भरना आपको ही पड़ेगा। आज ना सही कल भरोगे? हाँ, भरना पड़ता। इसलिए अपने एक जन्म में यदि आपने, याद रखना, इस जन्म में यदि आपने लापरवाही की तो इस जन्म की लापरवाही से आपके हजारों जन्म बिगड़ सकते हैं। और इस जन्म में यदि तुमने, चलो आज दाल में नमक ज्यादा हो गया है तो खा लेते हैं, कोई बात नहीं, कल बढ़िया मिल जाएगी, एडजस्ट करना सीखो। इस जन्म में बढ़िया पत्नी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, इस जन्म में बढ़िया पति नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करके रह लो। इस जन्म में यदि तुम छोड़कर भाग गई अपने पति को और पत्नी को, और यदि मां भाग गई बच्चों को छोड़कर, तो तुम्हारे कई जन्म बिगड़ जाएंगे क्योंकि तुम अपने कर्म से च्युत हो गए हो। कर्म को नहीं छोड़ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में स्पष्ट लिखा। अर्जुन भी रण छोड़ के भाग रहे थे, भगवान ने मना किया, कहां भाग रहा, यहां पर तेरा युद्ध करना ही तेरा परम
कर्तव्य है और तेरा सही कर्तव्य ही तेरी सही भक्ति है, यही तेरी भक्ति है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि पत्नी जैसी भी है स्वीकार करो, पति जैसा भी है कोई बात नहीं, अच्छा है बुरा है दुष्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आदमी अपने घर में सुई भी रखता है कि नहीं, सुई रखता है कि नहीं, और चलनी भी रखता है कि नहीं। देखो चलनी में बहुत सारे छेद होते हैं जबकि सुई में एक ही छेद होता है। एक बार चलनी ने सुई से कहा, ए सुई तू है तो बहुत अच्छी परंतु तुझ में एक बुराई है, तुझ में एक छेद है। ये बात कह कौन रहा है? चलनी, जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे छेद हैं। यही जीवन की हालत है। हम दूसरों को आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि तुम बुरे हो तुम बुरे हो, अपन स्वयं चलनी है उस पर ध्यान किसी का नहीं है। इसलिए गृहस्थों के घर चलनी भी है और सुई भी है। आपका पति चलनी जैसा है तो भी रखना पड़ेगा और सुई जैसा है तो भी रखना पड़ेगा, रखना तो पड़ेगा। जैसा है बस प्रसन्न चित्त से सारे मन के संशय निकाल कर अपने गृहस्थाश्रम को मधुर बनाना चाहिए, सुमधुर बनाना चाहिए। बच्चों को उचित संस्कार देना और बच्चों को उचित शिक्षा देना और भगवान के चरणों में अपने पुत्र अपनी संतान को लगाना, यही माँ बाप का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि ये कर्तव्य निभा दिया तो आपका माँ बाप बनना और इस धराधाम में जन्म लेना सब कुछ सार्थक हो गया।